बिल्कुल ये इसकी नॉर्मल है, पावर महसूस हो रही है ना ये देखो। ये वाले मीटर का मजा है ना वो शायद और किसी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस जो आज की वीडियो रहने वाली है ना काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है। और पीछे देखो बीस्ट, ये एक बहुत बड़ा बीस्ट खड़ा है। जितने भी मेरे पंजाबी बॉयज है, जितने भी पंजाबी रहने वाले हैं, उनको पता है यार उनके लिए बुलेट क्या चीज होती है। तो आज फिर से एक रिव्यू ला चुका हूं मैं 350 पे इलेक्ट्रा रहने वाली है और हाँ टू स्पार्क वाले रहने वाले 2012 मॉडल। तो गाइस इसकी हम बात करेंगे और ये देखा सिर्फ 12,000 चलिया और पूरी स्टॉक कंडीशन है देखो। बस में मेरे ख्याल से इसमें टायर चेंज है क्योंकि पहले देखा होगा इसमें तार वाले आते थे स्टॉक वाले, लेकिन अब इसमें सिर्फ एलॉय लगाए हैं। लेकिन बाकी पूरी आप बुलेट देख रहे हो पूरी स्टॉक कंडीशन रहने वाली है। इसके बारे में मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या 2012 में ये वर्थ थी या नहीं, और ये हाँ BS6 में आई है तो क्या अभी आपको लेनी चाहिए। तो गाइस अगर BS6 में आती है तो क्या ये बुलेट की गेम चेंज करेगी या नहीं करेगी, तो पूरी वीडियो तो देखते रहना और लाइक जरूर कर देना। तो आज वीडियो शुरू कर। गाइस ये देखो ये पूरी बुलेट रहने वाली है और ये पूरी स्टॉक कंडीशन में रहने वाली है। ये देखो A to Z अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, और अभी ढंग से साफ भी नहीं है फिर भी देखो कितनी ज्यादा चमक रही है। ये देखो पूरी स्टॉक कंडीशन में रहने वाले, एक रुपए का इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी हुई। ये देखो ये पूरा क्रोम में आता था, आपको जो पूरा कंपनी से आता था वही आ रहा है। ये देखो पूरा मतलब वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। और इलेक्ट्रा में जो सबसे ज्यादा चीज चेंज करती थी ना वो इसकी थी इंजन। इसका इंजन देखो कितना बड़ा आता है, आप कभी भी देख लेना जो पुरानी वाली बुलेट है, जितनी भी जो 1996 से आ रही है, जो उससे पहले की आ रही है डीजल वगैरह वाली, जो आपने देखा होगा 500 सीसी की आती थी 1967 वाली, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, उसका इंजन भी ऐसा था, उसकी बॉडी शेप भी ऐसी थी। मतलब इसका इंजन ना पुराने वाला रखा गया है और ये जो उसकी बॉडी है वो कभी कुछ भी चेंज नहीं है। आपने देखा होगा जो नई बुलेट आ रही है उसमें यार लोगों ने कितनी चीज़ें लगाई हैं, कई उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दिया, फालतू की चीज़ें ऐड करी है। लेकिन इलेक्ट्रा बड़ी बेसिक बुलेट है जिसको नॉर्मल स्टॉक कंडीशन में कंपनी से बेचा जाता है और लोग रखते हैं। इसको लोग जानते हैं इसकी आवाज़ से, जब ये 70-80 में चलते हैं और इसकी आवाज़ जो डुक डुक करके आती है ना, ओहो भाई उसका तो फील ही अलग है। लेकिन भाई ने अभी वो नॉर्मल करवा रखा है, आपको पता ही है रूल्स का यार कितना चलान का पंगा है। बाकी ये देखो इसका इंजन रहने वाला है। तो गाइस अगर मैं इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 346 सीसी का इंजन मिलता है, मतलब 350 सीसी का इंजन, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन रहने वाला है फ्यूल इंजेक्शन के साथ। वहीं अगर इसकी पावर की बात करूँ, ये 27 PS की पावर एंड 28 NF का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो बहुत ज़्यादा भारी है किसी भी बुलेट के लिए। ये आपको दो वेरियंट में देखने को मिल जाएगी, एक आता है इसमें डिस्क, एक आता है ड्रम। 2012 में ये ABS के साथ नहीं आई। वहीं टायर की बात करूँ 1395 का इसका टायर मिल जाता है। और वहीं इसके पीछे सस्पेंशन की बात करूँ तो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड के साथ, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा सस्पेंशन दिया गया है। तो गाइस देखो आगे वाला टायर देखो बिल्कुल स्टॉक है और इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और इसकी जो डिस्क है ना भाई 2012 में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी, इसकी जो डिस्क का रिस्पॉन्स है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मतलब ये देखो यहाँ पे इसकी पूरी ब्रेक दी हुई है और डिस्क में आपको पता ही है जो बुलेट में डिस्क काम करती है वो एक नंबर है। मतलब बंदे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ जो ये जो इतना हैवी वेट संभालने के लिए एक डिस्क ब्रेक ही कामयाब है, वरना नॉर्मल ब्रेक ड्रम ब्रेक आप पता है आपको लूज़ हो जाती है। वहीं इसकी लाइट की बात करूँ तो देखो आपको स्टॉक कंडीशन मिलने वाली है। ये हैलोजन लगाया हुआ भाई ने, यहाँ पे LED लगाई हुई है। LED एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो एक बार मैं आपको LED दिखाता हूँ। थोड़ी सी ध्यान दिन में है, अगर इतनी अच्छी रोशनी दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है वाइट कलर की। लोग इसमें ब्लू लगवा लेते हैं, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन वाइट में तो यार लुक आ गया, एक ईगल आई जैसा लग रहा है बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। और ये देखो मीटर की अगर बात कर लूँ, अब तो आपको पता है लोग इसमें डिजिटल भी लगवा सकते हैं आराम से, और जो BS6 में आ रही है उसमें डिजिटल का भी ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन ये देखो जो मैंने 12,000 वाली बात बोली, ये देख लो 12,000 चली है 2012 से, कुछ भी नहीं चली। और ये देखो इसकी है हैलोजन लाइटिंग की करी गई है, लेकिन जो डिजिटल आ रहा है उसमें मज़ा नहीं आ रहा। लोग लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन जो इसका ये वाले मीटर का मज़ा है ना वो शायद और किसी में नहीं है। और ये रहा इसका टेम्परेचर वगैरह का, ये पूरा आपको मिल जाएगा। बस में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, बंदा पेट्रोल बंदे को पता नहीं लगता इसमें पेट्रोल है या नहीं है। अब अगर टैंकी की बात करो तो आपको स्क्रीन में शो हो जाएगी, प्रॉपर नहीं पता इसकी टैंकी कितनी लीटर रहने वाली है, लेकिन ये देखो
क्या प्यारी लग रही है, एक बार ये देखो। ओए होए, और इसमें आपको इसमें सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, कंपनी ने सेल्फ दिया था तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई जो किक का मजा है वो तो किक का ही मजा ना है। अब एक बार इसकी आपको आवाज भी सुना दो, इसकी आवाज कैसे रहने वाली है। यार देखो एक बार इसके एकदम मैंने सामने कैमरा रख दिया, एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ सेल्फ स्टार्ट की, इससे साउंड कैसे आता है। ये देखो बिल्कुल ये इसकी नॉर्मल है, अगर रेस तो भाई ये रेस ये देखो इसकी डुब 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 ये आवाज रहती है ना, ये आप चल रहे होगे ना 70-80 पे भी, और जब आप इसकी ये रेस छोड़ोगे क्लच वाला खाली बिना रेस छोड़े भी ये डुब 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 आवाज आती है, ये काफी ज्यादा फील होती है बंदे को। अब इसमें मैं एक आपको बुलेट नहीं रह गई है भाई, बंदों को इसका मज़ा नहीं आता, मॉडिफिकेशन का भी मज़ा नहीं आ पाता। आप देखा, आपने देखा होगा साइड मिरर का, जो साइड मिरर का चलान है उसके भी कट रहे हैं, साइड मिरर के चलान आ गए, साइड मिरर नंबर प्लेट ये दोनों जो चलान आए हैं ये आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अब आपको एक्टिवा हो चाहे बुलेट, आपको साइड मिरर चाहिए और वहाँ नंबर प्लेट के चलान भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यार ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। नंबर प्लेट का 1000 रुपये का, 1000 से ऊपर का चलान जा रहा है, तो यार ये वाली चीज़ करवा के रखना, मैंने भी करवानी है, मैं करवाऊंगा जल्दी। बाकी अगर शॉकर की बात करूं, इसका एक बार स्ट्रोक हॉर्न सुनाता हूँ आपको। ये देखो काफी ज्यादा चीखने वाली आवाज है, मतलब रूट्स जैसे लगते हैं ना कानों में, ये थोड़ी चीख रहे हैं, ये भी बंदे की जान निकालते हैं, कान में बड़े चुपते हैं, बट यार रूल्स के मुताबिक यही हॉर्न अब चल रहे हैं। तो गाइस वही अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 1.27 लाख से शुरू होती थी और 1.42 लाख तक जाती थी, जो रीजनेबल बुलेट इसको बनाता था। गाइस अगर मैं इसमें बात करूँ इसके और चीज़ों की तो ज़्यादा जिसमें बताने को नहीं, यही सब इसमें बताने को था, मतलब एक काफ़ी बेहतरीन बुलेट कहलाती थी, तो हर चीज़ में ये मतलब सॉलिड बुलेट थी और मतलब चलाने में इसको फील आता। तो भाई ये देखो सीट फुल कुशनिंग करी गई है, देखो कितनी ज़्यादा कुशनिंग करी हुई है, इसमें पिलियन का भी आराम से इन्होंने सोचा, ये देखो कितनी ज़्यादा मोटी सीट है, और ये भाई ने लगवाया पीछे से कुशनिंग के लिए, तो यार ये भी चीज़ अच्छी लग रही है। ओवरऑल लुक अगर भी बात करूँ ना तो यार ये वाली बुलेट को मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी लुक एकदम से हटके है फीलिंग। तो गाइस देखो बैठ की पूरी फीलिंग आती है, और हाँ एक बंदा लगता है एक बार राइड में जा रहा है बंदा। चलो इसका गियर डाल के इसको चला के देखते हैं, इसके पहला गियर आगे रहता है बाकी सारे पीछे रहते हैं। तो गाइस चलाने की बात करूँ तो देखो फर्स्ट गियर पे इसमें इतनी ज़्यादा मेरे को पावर महसूस हो रही है ना, ये देखो फर्स्ट गियर चेंज करने की फील नहीं होती, और यार ऐसा लग रहा है रोड पे एक राजे की तरह मैं चल रहा हूँ। तो भाई चलाने में तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा है, और इसकी जो आगे डिस्क ब्रेक है ना वो देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब डिस्क वैसे तो चलती बाइक पर ज़्यादा मारोगे तो गिरोगे, लेकिन वैसे अगर डिस्क नॉर्मली मारोगे मार्केट में तो काफ़ी देर। अब इसका सेकंड लेवल बताऊँ, ओह हो ये देखो बुलेट का फुल क्या लुक आ रहा है, ये देखो ओह हो मज़ा आ रहा है मतलब चलाने में। और एक बार ये देखो इसकी जब मैं इसकी रेस छोड़ता हूँ, ये देखो डुग 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 ये फील देख रहे हो, तो यार देखो चलाने में फुल मज़ा आ रहा है, मतलब एक अंदर से जो आती है ना फील जो इसको चलाने में आ रही है बुलेट को। बुलेट की परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं मार्क्स दूँ ना तो 10 में से 10 दूंगा इसके चलने में, मतलब एक चलाने में यार फील आ रही है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव थी, एक पर्सनल रिव्यू रखा था, ओनर आना नहीं चाहते थे तो इसलिए एक अपनी तरफ से रिव्यू करा है, एक बार ओनर वाला रिव्यू भी करूँगा कभी। तो भाई वीडियो एंड करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।